गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर व्हिजिट करा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जलगांव दौरे के बाद जलगांव जिले की सियासत गर्मा गई है. अमित शाह जब जलगांव आ रहे थे तो कई लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं थी, तो कुछ लोगों का अपेक्षा भंग भी हुआ. अपेक्षा भंग उन लोगों को नहीं हुआ जो सामने बैठे थे दर्शक के रूप में, लेकिन अपेक्षा भंग बहुत से लोगों का हुआ जो खासदार जी के इच्छुक है, जिनके मन में इच्छा थी कि शायद अमित शाह आएंगे तो कोई घोषणा करेंगे या कम से कम संकेत दे देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जलगांव लोकसभा सीट और रावेर लोकसभा सीट पे उनके प्रत्याशी कौन होंगे. लेकिन ऐसे हुआ नहीं. दो बातों का अपेक्षा भंग जरूर अमित शाह की ओर से हुआ. पहले तो लोगों को ये लगा था कि नाता भाऊ शायद भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी करेंगे, उनके घर वापसी की घोषणा होगी, या अमित शाह के मन से ही शायद उन्हीं को पक्ष प्रवेश फिर से करवा दिया जाए. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, लोगों का अपेक्षा भंग हो गया. दूसरी अपेक्षा थी कि शायद प्रत्याशियों की घोषणा होगी, वो भी नहीं हुई. हम जानते हैं कि वर्तमान में जलगांव से उन्मेष दादा पाटिल खासदार है और रावेर से रक्षादाई खड़से भारतीय जनता पार्टी की ओर से खासदार है. लेकिन जिस तरह के पिछले 5 साल में हालात बदले हैं, परिस्थितियां बदली है, तो एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है, क्या रक्षादाई को फिर से टिकट दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि रक्षादाई के जो ससुर है एकनाथ राव खड़से वो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं. लेकिन चर्चा ये भी चल रही है कि शायद चुनाव से पूर्व एकनाथ राव खड़से फिर से बीजेपी में आएंगे. अगर बीजेपी में फिर से आते हैं तो उनके आमदार की विधान परिषद की साबित रहेंगी, या फिर वो खासदारी के लिए खुद नाता वो खड़े रहेंगे, या फिर ससुर और बहू का मुकाबला होगा लोकसभा में. कुछ लोग तो ये भी प्रश्न उठा रहे हैं, क्या रक्षादाई को लगातार तीसरी बार फिर से टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा. कुछ राजकीय लोगों ने तो उनके राजकीय निष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह उपस्थित किए हैं कि रक्षादाई को टिकट अब मिलेगा भी या नहीं. ऐसे में हम देख रहे थे कि जब अमित शाह का प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पर डॉक्टर केतकीताई पाटिल एक सनसनी की तरह आई. बहुत सारी युवाओं के साथ वो मिली, खास करके जो लड़कियाँ हैं, कॉलेज की लड़कियाँ हैं, जो युवतियाँ हैं, उनमें डॉक्टर केतकीताई पाटिल का बहुत बड़ा क्रेज देखा गया. दर्जनों की संख्या में लड़कियाँ आ रही थी, उनके साथ सेल्फी निकाल रही थी, फोटो ले रही थी. केतकीताई भी उनके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल रही थी. तो एक नया आह्वान, एक नया चैलेंज जब से केतकीताई पाटिल भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गई है कांग्रेस में से. डॉक्टर उल्लास पाटिल के बहुत लंबे समय से उस मतदार संघ में अच्छे संबंध रहे हैं. वो एक जो प्लेटफॉर्म बनाया है पिछले दशकों में, आरोग्य के माध्यम से हो, सामाजिक माध्यम से हो या सांस्कृतिक माध्यम से हो, डॉक्टर उल्लास पाटिल बहुत लंबे समय से रावेर मतदार संघ में अपना जनसंपर्क बनाए हैं. हो सकता है कि उनकी जो एक पहचान है, जो रिलेशनशिप है, उसका बेनिफिट डॉक्टर केतकीताई पाटिल को मिलेगा. लेकिन भारतीय जनता पार्टी का धक्का तंत्र ये एक बहुत बड़ा विषय है. अलग अलग राज्यों की बात करें तो जब जब हमें लगा कि इस राज्य के मुख्यमंत्री ये बनेंगे, चाहे आप लीजिए मध्य प्रदेश को, जब लगा कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन धक्का तंत्र आयन समय पे दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए. 10 साल पहले, 8 साल पहले आपको लगा था कि किसी को शायद लगा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एक धक्का तंत्र हुआ और दूसरे को टिकट मिला, दूसरे ही मुख्यमंत्री बन गए. उसी तरह से जलगांव जिले में भी लोकसभा की 2 सीटों के बारे में अभी भी भारतीय जनता पार्टी का रहस्य कायम है. फर्स्ट चॉइस होगी, सेकंड चॉइस होगी, थर्ड चॉइस होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अनपेक्षित रूप से कोई चौथा ही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बने. और बहुत बड़ी संभावना जताई जा रही है राजकीय परीक्ष में कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी व्यक्ति खड़ा होगा तो शायद वही जीतेगा. हमने भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात की, उन्होंने कहा कि टिकट आप किसी को भी दे दीजिए, आला कमान पार्टी के सुप्रीमो जिसे भी टिकट देंगे हम उसी को जिता के लाएंगे. लोकसभा जलगांव को लेकर भी बहुत बड़ा रहस्य बनाया हुआ है. उन्मेष दादा पाटिल जो कि वर्तमान खासदार है, सांसद है, उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में ही राजकीय गलियारों में बहुत चर्चा जारी है. अचानक कुछ लोग तो बता रहे हैं कि खासदार, पूर्व खासदार एटी नाना पाटिल, जिनको आयन समय पर कुछ कारणों से, कुछ विशेष कारणों से टिकट नहीं दिया गया था, बाद में स्मिता ताई वाक को टिकट दिया गया, फिर उन्हें भी बाद में टिकट चेंज कर दिया गया, आए इन समय पर उनमें ज़्यादा पाटिल खासदार की के प्रत्याशी बने और खासदार जीते भी. तो बड़ा प्रश्न है कि जलगांव और रावेर से लोकसभा के कौन प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के.
दूसरे पार्टियों के तो ठीक है अभी कुछ पता ही नहीं कौन दावेदार है कौन प्रत्याशी होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जानकारों का मानना है कि जो भी खड़े रहेगा उसकी जीत जाने की बड़ी संभावना है। हम संभावनाएं बोल रहे हैं, प्रबल संभावनाएं बोल रहे हैं, अभी तो कुछ भी कहना सही नहीं होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन अगर मोदी लाट तीसरी बार भी काम करती है तो खासदार की के जो प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के उनके जीत के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी। लेकिन फिर एक बार रहस्य तो रहस्य है, ये रहस्य अमित शाह अपने साथ मुंबई ले गए दिल्ली ले गए हैं कि जलगांव और रावेर के प्रत्याशी कौन होंगे। लेकिन फिलहाल हम आप लोगों से विनती करते हैं, अपील करते हैं कि लोकसभा का घमासान इंडिया 365 पर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया 365, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, चैनल को बेल आइकॉन दबाना चाहिए ताकि समय समय पर लेटेस्ट अपडेट चुनावी गलियारों की, सियासी राजनीतिक गलियारों से आपको चुनाव की हम हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए इंडिया 365 लाइव।